हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। नोट डाउन द क्वेश्चन। यस सर। क्वेश्चन लिखो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यस बच्चे, क्वेश्चन लिखो फटाफट। यस, क्वेश्चन समझो क्या है। अ मैन इज मूविंग अलोंग द नॉर्थ आफ्टर कवरिंग 30 मीटर। एक जो मैन है वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है 30 मीटर। टेक टर्न एंड मूव 60 मीटर अलोंग ईस्ट, फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों समझो क्या कह रहा है। एक मैन है वो 30 मीटर नॉर्थ नॉर्थ किधर होता है, इस तरफ, इधर को वो 30 चलता है ऐसे आगे। टेक अ टर्न, ऐसे टर्न लेता है और इस तरफ कितना चलता है, ईस्ट की तरफ, इधर को 60, नॉर्थ की तरफ 30, ईस्ट की तरफ 60। तो ड्रॉ करो सॉल्यूशन, राइट डाउन सॉल्यूशन। नॉर्थ की तरफ गया मैन 30 मीटर और ईस्ट की तरफ गया 60 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यू नो डिस्टेंस क्या होता था, पाथ लेंथ कवर 30 मीटर प्लस 60 मीटर, दैट इज 90। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है इनिशियल और फाइनल में, ये वाला। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 30 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर का होल। तो लिखो डिस्प्लेसमेंट, राइट डाउन डिस्प्लेसमेंट, 30 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 30√5 मीटर। दिस विल बी 30√5 मीटर। यस, क्लियर? यस सर। यस, ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करवा दूं एक। यस यस सर, करवा दूं। ओके सर, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, एक सर्कल है, सर्कल में पार्टिकल जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, कितना एंगल कवर करता है, थीटा एंगल कवर करता है। लिखो, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल फ्रॉम ए टू बी, फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। सर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो थीटा बाय थ्री
3 6 × 2 πr होगा यस सर यस सर थीटा बाय 3 6 × 2 πr ओके डिस्प्लेसमेंट होगी देखो बच्चों हमने ये कैसे करना है पहली बात तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा डिस्टेंस यहां से यहां तक जा रहा है ना ये वाला डिस्टेंस हमने पता करना है आप इसको दो तरीके से पता कर सकते हो डिस्टेंस को एक तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन ये आर्क है ये वाली ए बी थीटा इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला एक आर्क अपॉन रेडियस आर्क कितनी है एल रेडियस कितना है आर तो एल कितना हो जाएगा थीटा एक तो इस तरीके से हो जाएगा कोई डाउट है किसी को नो सर ये डिस्टेंस ए से बी थीटा एल इज इक्वल टू थीटा और अगर मैं इसको ऐसे करूं कि अगर ये पूरा चक्कर लगाता है तो कितना एंगल कवर करता है 2 पाई एंगल के लिए ये कितना चलता है 2 पाई आर या फिर आप ऐसे लगा लो 360 के लिए ये कितना चलेगा 360 एंगल अगर ये कवर करेगा पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 360 एंगल कवर करेगा अगर ये 360 एंगल कवर करेगा तो कितना चलेगा 2 पाई आर 1 डिग्री के लिए कितना चलेगा 2 पाई आर बाय 360 किसके लिए निकालना है हमने थीटा के लिए निकालना है तो थीटा के लिए कितना हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 इनटू थीटा बोलो यस ये 360 का 360 को हम बोलते हैं 2 पाई 360 इज कॉल्ड 2 पाई मैं 360 को 2 पाई लिख दूं अगर मैं इसको 2 पाई लिख दूंगा तो ये 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया तो ये क्या बन गया आर थीटा इसको बोल देंगे डिस्टेंस इसको आप इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो इस मेथड से भी दोनों में से कोई व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट एक मिनट नोट कर ले यस यस कुछ कर लो राइट डाउन डिस्प्लेसमेंट इसके बाद Okay, sir. यस लिखो आगे डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे एनी आइडिया कर दूं आगे टर्न यस देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे ए से बी हमने जाना है ये एंगल थीटा है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ अब शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा ये वाला ए बी ये वाला होगा ना ब्लू वाला शॉर्टेस्ट सर अब ये पाथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए समझो मैं इस ट्रायंगल को यहां ड्रॉ कर रहा हूं इस ट्रायंगल को मैंने उठा के यहां रख दिया ठीक है अब मैंने क्या कर लिया एक मैंने ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया यहां पर अगर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया तो ये एंगल कितना बन गया थीटा बाय 2 और ये एंगल भी क्या बन गया थीटा बाय 2 और ये रेडियस क्या था आर यू नो अगर मैंने ये वाली साइड निकालनी है एंगल के सामने वाला साइन कंपोनेंट होता है yes, sir. ये भी एंगल के सामने वाला साइन कंपोनेंट होगा ये भी क्या हो जाएगा आर साइन थीटा बाय 2 तो ये टोटल साइड कितनी होगी आर स्क्वायर साइन 2 आर साइन थीटा बाय 2 वेरी गुड 2 आर साइन थीटा बाय 2 दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट
displacement for any angle in circular path is equal to 2r sin theta by 2. Please always remember. Clear a formula? Sir, is there any alternative method? Yes, sir. Any alternative? This is a trick, small trick. You can say. कि आपने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया, अब क्वेश्चंस करने हैं किसी भी एंगल के लिए। अगर ये थीटा मैंने किसके लिए निकाला है, आपको एनी एंगल थीटा के लिए निकाला है। ये आप इसको 90 के लिए भी निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले से, 30 के लिए निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले के लिए, 120 के लिए निकाल सकते हो, किसी भी एंगल के लिए डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक ट्रिक है आपके लिए। ओके, जैसे हमने कल 90 डिग्री के एंगल के लिए, 180 के लिए निकाली थी ना, उसी तरह yes. आप डायरेक्ट इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। ओके सर, यस सर। तो क्वेश्चन लिखो इसी के साथ का। एक पार्टिकल है, इट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ सर्कल एंड कवर्स एंगल 120। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दो तीन न्यूमेरिकल मैं आपको एडवांस लेवल के करा रहा हूं, हो सकता है काफी बच्चों को टफ भी लग सकते हैं। यस सर, रेडियस गिवन है, रेडियस आर, रेडियस इज आर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्टेंस होगा 2/3 πr और डिस्प्लेसमेंट होगी √3r। यस सर, डिस्टेंस कितना होगा? 2/3 πr। 2/3 πr। ओके, डिस्टेंस के लिए इसमें मैंने फॉर्मूला बताया था। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इनटू आर, है ना? एल इज इक्वल टू थीटा। थीटा कितना है? 120। आर रेडियस, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। ये मैंने आपको सिखाया नहीं हुआ अभी, है ना? ये मैंने अभी आपको सिखाया नहीं हुआ, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाय 180 लगाते हैं इनटू आर, ये रह गया 2πr/3 आ गया, है ना? वही है, यही है ना, 2πr/3। हाँ जी, यस सर, यस सर। और डिस्प्लेसमेंट लिखो इसके बाद। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? 2r sin theta by 2। 2r sin theta कितना है? 120/2, तो ये बन गया 2r sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो ये आ गया √3। सर डिस्टेंस वाला फिर से बता दो। डिस्टेंस में बच्चे फॉर्मूला होता था थीटा आर, है ना? हमने किया था ना पीछे। यस, थीटा इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, तो आर किसके इक्वल हो जाएगी? थीटा इनटू आर। अब थीटा कितना दिया हुआ? 120। ये मैंने अभी आपको करवाया नहीं हुआ, 120 को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके सर, गुरजोत्सव ने बताया था एक बार रेडियन। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। आपको अगर ये बताया हुआ फिर तो ठीक है, 120 को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2πr/3। ओके डन, यस, ये नोट कर लिया सारा? यस सर। आगे लिखो नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड एंड वेलोसिटी। यस सर, राइट डाउन स्पीड एंड वेलोसिटी। कर देना स्पीड एंड वेलोसिटी। Write down speed. Yes, speed क्या होती है? You know? Distance upon time. Yes, distance traveled
per unit time taken. अब जहां पर बात होगी डिस्टेंस की, यू नो डिस्टेंस की बात होगी तो हम क्या कुछ लिखेंगे, इट इज अ टाइम टेक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी होगी. ये स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड कैन बी पॉजिटिव और जीरो, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी. ऐसे यूनिट क्या होगी इसकी, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड. बच्चों एक चीज याद रखना, हमने हमेशा जो लेंथ है उसको हमने मेजर करना है मीटर में, मास को मेजर करना है किलोग्राम में, टाइम को मेजर करना है हमेशा सेकेंड में. इनको बोलते हैं एसआई यूनिट. ये तीनों चीजें आपने याद करनी है. ये क्वांटिटी है, लेंथ को हमेशा मीटर में लिखना है, मास को किलोग्राम में लिखना है, टाइम को सेकंड में लिखना है. अगर लेंथ सेंटीमीटर में दी हो पहले उसको मीटर में लिखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले. अगर मास किलोग्राम की जगह ग्राम में दिया हो तो उसको केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है. टाइम अगर आवर्स में दिया हो, मिनट्स में दिया हो, तो सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड. क्लियर यहां तक, डाउट? आगे देखो एसआई यूनिट. एसआई यूनिट डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर. टाइम की क्या होती है, सेकेंड. ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, वो पर सेकेंड. तो ये एसआई यूनिट आ गई हमारे पास, स्पीड की मीटर पर सेकेंड. एक बात मैं और बता दूं, क्वेश्चन में ना काफी क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर दिया होगा, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. यू नो वन किलोमीटर कितना होता है, वन आवर कितना होता है, 60 मिनट्स इनटू 60 सेकेंड. पहले एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं. एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं. तो ये 20 से 20 कट गया, तो ये कितना बन गया हमारे पास, 3/5. तो ये आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड. अगर किलोमीटर पर आर को हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो शॉर्टकट क्या लगाना है आपने, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है. अगर हमने किलोमीटर पर आर क्वेश्चन में दिया हो, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 5/18, राइट. आगे लिखो इसके बाद, यस सर. टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड की टाइप्स कितनी होती हैं. बेसिकली तो स्पीड की फोर टाइप्स होती हैं, दो के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, दो के बारे में पढ़ेंगे. यूनिफॉर्म स्पीड, या आप छोटी क्लास में करते आ रहे हो. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड. ये चार स्पीड्स होती हैं बच्चे. यूनिफॉर्म स्पीड यू नो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस. INSTANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस स्पीड. यस बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यू नो. Cover, yes, equal distance, yes, in equal, yes, time interval. इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल है. नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हम बात करेंगे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. फिलहाल के लिए हम बात करेंगे एवरेज स्पीड. एक क्वेश्चन एवरेज स्पीड से आता है, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड से आता है. और इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर पता करनी हो वो टफ है, एवरेज स्पीड इजी है. इंस्टेंटेनियस अभी हम नहीं करेंगे, इसके लिए मैथमेटिकल टूल्स होते हैं. आपको मैथमेटिकल टूल्स करने पड़ेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तब जाकर आपको ये इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करनी आएगी.
उससे पहले हम क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे, एवरेज स्पीड। पहले आप डेफिनेशन लिख लो, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, दोनों की डेफिनेशन लिख लो। एवरेज स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, लेकिन कैलकुलेशन इसकी हम करेंगे, इसकी कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे। यस कर दो डन? यस सर। यस यस बच्चो, राइट डाउन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको जो रिप्रेजेंट करना होता है ना, एवरेज स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, टोटल टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस स्पीड लिख लो, इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखो बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड। जैसे आप चल रहे हो, आपने अपने बाइक के वो स्पीडोमीटर पर देखा आपकी स्पीड कितनी है, वो स्पीड जो स्पीडोमीटर है उस टाइम पर स्पीड बताएगा। अगर आप कुछ देर बाद देखोगे तो स्पीडोमीटर की निडल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है? यस सर। यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और एवरेज स्पीड का मतलब यह है कि मान लो आप घर से निकले हो, आप स्कूल के लिए चले हो, घर से स्कूल तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन कितना टाइम आपने लिया, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। उन दोनों की रेशियो को क्या बोल देंगे, एवरेज स्पीड। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, किसी एक टाइम पर जब आप घर से स्कूल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में किसी ने आपसे स्पीड पूछ ली, तो आपने स्पीडोमीटर से देखकर बता दिया, तो वो उस टाइम पर स्पीड थी, वो टोटल स्पीड नहीं थी, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। इसका जो सिंबल होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का, ये लिख लो डीएक्स अपॉन डीटी। इसके लिए टाइम में चेंज नहीं होता, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड को, जो आपकी एवरेज स्पीड है ना डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, इसके साथ लिख दो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि इसमें टाइम में चेंज नहीं होता, टाइम में जो चेंज होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो होता है। यहां तक नोट कर लिया आपने? 1 मिनट सर। So what is written or part? Sorry. What is the written sir or part? Or means instantaneous speed का formula एक तो होता है dx upon dt, और v instantaneous को हम average की form में अगर लिखना चाहें, ये average वाले लिख दिया formula। अगर मैंने उसके साथ limit delta t approaches to zero लिख दिया, इसका मतलब क्या है, time में change ना होना, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होती है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। यानी एवरेज के साथ अगर मैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो लगा दूं, तो इसका मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड ही होता है, यानी डीएक्स अपॉन डीटी होता है। डीएक्स अपॉन डीटी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। टाइम में चेंज नहीं होता, बहुत कम होता है, विच इज अप्रोचेस टू जीरो। कोई डाउट यहां तक? चले आगे सर। डी स्टैंड्स फॉर टी या डी टी?
डी डी ओनली डी डी का मतलब होता है बच्चे बहुत कम चेंज, डेल्टा का मतलब होता है लार्ज चेंज, इसका मतलब होता है डेल्टा का मतलब लार्ज चेंज, और जहां पर डी लग जाए तो इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज. ओके. स्पीडोमीटर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, उसी टाइम पर स्पीड बताता है, उसके बाद आप तो आपकी स्पीड में भी चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है. डाउट है यहां तक? नो सर. लिखो आगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड, राइट डाउन, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड. केस वन, पहले तो सिंपल समझो, हमारे पास केस वन, एक पार्टिकल है ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, पहला डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया एक्स वन, कितनी स्पीड से चला वी वन, दूसरा उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स टू, कितनी स्पीड से चला वी टू, तीसरा उसने कवर किया एक्स थ्री, कितनी स्पीड से चला वी थ्री. यस, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. बोलो. यस सर. यही होता है एवरेज स्पीड का. अब yes, इसमें देखो, एक्स वन तो गिवन है, यस, एक्स टू भी गिवन है, यस, एक्स थ्री भी गिवन है, यस, क्या नहीं गिवन, टी वन नहीं गिवन, टी टू नहीं गिवन, टी थ्री नहीं गिवन. वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टी वन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टी टू इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टी थ्री इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो मैं ये वैल्यूज यहां पर पुट कर दूं तो वी एवरेज कितना हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन एक्स वन अपॉन वी वन, एक्स टू अपॉन वी टू, एक्स थ्री अपॉन वी थ्री. दिस विल बी योर एवरेज स्पीड. यस, लिख लिया यहां तक? बच्चों इसी में अब हम आगे करेंगे. अगर ये डिस्टेंस हमें इक्वल दे दे, ये वाला डिस्टेंस अगर इक्वल हो तो इसी का सब केस कर रहे हैं, पहले केस का सब केस वन, ए से बी, बी से सी, सी से डी, एक्स वन भी एक्स हो गया, एक्स टू भी एक्स हो गया, एक्स थ्री भी एक्स हो गया, वी वन वी टू वी थ्री. हाँ जी, एवरेज स्पीड कितनी थी हमारे पास, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, एक्स वन अपॉन वी वन, एक्स टू अपॉन वी टू, एक्स थ्री अपॉन वी थ्री. यस. यस सर. X1 की वैल्यू क्या पुट करनी है, X, X2 की X, X3 की X, X upon V1, X upon V2, X upon V3. ऊपर कितना आ गया 3X, नीचे X कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में क्या रह गया, 1 upon V1, 1 upon V2, 1 upon V3. X से X कैंसिल हो गया तो V एवरेज कितनी आ गई आपके पास, 3 V1, V2, V3. ऊपर आ जाएगा V2, V3, V1, V3, V1, V2. वन वी टू. यहां तक कोई डाउट है? नो सर. नोट कर लो इसको जल्दी जल्दी. अर्जुन, V एवरेज कितनी हो जाएगी, 3 V1 V2 V3
upon V1, V2, V2, V3 and V3, V1. You formula. For two equal distance. अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, इसमें मैं दो डिस्टेंस की बात करूं, मैं बात करूं ए से बी, बी से सी, दो की बात करूं, यही फॉर्मूला आपके लिए यूज होगा. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. यस, अगर दो की बात करूं तो वी एवरेज कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन वी वन, सॉरी ये था ना एक्स, एक्स वन अपॉन वी वन प्लस एक्स टू अपॉन वी टू. यस, एक्स वन की जगह एक्स, एक्स टू की जगह एक्स, एक्स अपॉन वी वन, एक्स अपॉन वी टू. ऊपर कितना आ गया 2x, नीचे x कॉमन आ गया 1 अपॉन वी वन प्लस 1 अपॉन वी टू. एक्स से x कट गया तो ये क्या आ गया, वी वन वी टू, ऊपर कितना आ जाएगा वी वन प्लस वी टू बट टू, तो ये 2v1v2 upon v1. ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया 2v1v2 upon v1 plus v2. दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको दो डिस्टेंस इक्वल हो और v1 v2 स्पीड दी हो तो आपने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बहुत ज्यादा यूज होगा. थ्री डिस्टेंस के लिए नहीं यूज होगा, टू के लिए यूज होगा ज्यादातर. यस सर. ओके डन. यस सर. नेक्स्ट लिखो. इसके बाद केस नंबर टू. केस नंबर टू में हमें देखो क्या गिवन है, ए बी सी डी. हमें गिवन है टाइम टी वन टी टू टी थ्री और गिवन है वी वन वी टू वी थ्री. इसमें क्या गिवन नहीं है, डिस्टेंस गिवन नहीं है, लेकिन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यू नो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री टी वन टी टू टी थ्री. आपको क्या पता नहीं है, ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आपको नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, एक्स वन, यू नो वी वन किसके इक्वल होता है, एक्स वन अपॉन टी वन, एक्स वन टी वन. तो एक्स वन कितना हो जाएगा वी वन इंटू टी वन. Yes, sir. So V average is equal to V1 T1 V2 T2 V3 T3 upon T1 plus T2 plus T3. Any doubt? No, sir. Okay. अगर इसमें मैं सब केस कर रहा हूं फर्दर, इसके अगर हमें गिवन हो इक्वल टाइम ये टी ए बी सी डी, अगर हमें टाइम इक्वल हो, टाइम इंटरवल हमें इक्वल दे दिया विद डिफरेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो मैं इसमें टी वन की जगह क्या पुट कर दूंगा, टी टू की जगह क्या पुट कर दूंगा, टी थ्री की भी जगह क्या पुट कर देंगे, टी. तो एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी हमारे पास, वी एवरेज इज इक्वल टू V1 T, V2 T, V3 T upon T plus T plus T. तो ये V1, V2, V3, T बाहर आ गया, नीचे 3T हो गया, T से T कैंसिल हो गया, V एवरेज हो गई V1, V2, V3 by T. This will be your average speed now. Yes, sir. इसी में लिख लो एक और सब केस, दो इक्वल इंटरवल के लिए T1 भी T है, T2 भी T है, V1 V2, V एवरेज इज इक्वल टू V1 T V2 T अपॉन T1 सॉरी T प्लस T. नीचे कितना हो गया 2t,
v1 plus v2 into t. t से t खत्म हो गया तो ये कितना रह गया, v1 plus v2 by 2. तो एवरेज का फॉर्मूला ये हो गया. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. आपके दो ही फॉर्मूले यूज होंगे, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए, इक्वल डिस्टेंस कवर के लिए. अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो तो फॉर्मूला होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. इक्वल टाइम के लिए फॉर्मूला हो तो v1 प्लस v2 बाय 2. राइट डाउन क्वेश्चन फटाफट, लास्ट 4 मिनट्स हैं. क्वेश्चन लिखो जल्दी. और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ, ये कॉपी कर लिया यहां तक सर, एक मिनट. यस सर, लिखो क्वेश्चन लिखो. अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ, a man walks at a speed of 6 km per hour for 1 km and 8 km per hour for next 1 km. What is the average speed for the walk of 2 km? 2 km के लिए average speed निकालनी है. देखो आप क्वेश्चन में देखो, इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है. 1 km कितने स्पीड से कवर कर रहा है, इतनी. नेक्स्ट 1 km कितनी स्पीड से कवर कर रहा है, इतनी. अगर इक्वल डिस्टेंस गिवन हो तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, यू नो, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यही था. यस सर. v1 की वैल्यू कितनी है, 6. v2 की वैल्यू कितनी है, 8. 6 प्लस 8, 2, 6, 8, नीचे आ गया 14. तो ये 7, ये 3, ये कितना आ गया आपका, 48 into 2, 96 by 14. 96/14 कितना आ जाएगा, 48/7 किलोमीटर पर आवर. आप इसको मीटर पर सेकंड में लास्ट में चेंज कर सकते हो. हमें ऊपर चेंज करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि सारी स्पीड्स की ही टर्म थी. इधर आप इसको मीटर पर सेकंड में लिख लो, किलोमीटर पर सेकंड में लिख लो, तो यूनिट दो कैंसिल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन with constant speed of 4 meter per second for 2 second, then with 6 meter per second for 3 second. Find the average speed of the particle. यस, टाइम पहले t1 कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड रह गया, अपने आप मीटिंग कैंसिल हो जाएगी. क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा. v1 दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, टाइम नेक्स्ट 3 सेकंड, v2 कितना दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकंड. यस, अगर टाइम दिया हो और स्पीड दी हो तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, आपको करवाया था v average v1 t1 v2 t2 upon t1 plus t, ये वाला फॉर्मूला. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाकी जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो सॉल्व कर लिया करो. अगर आपसे नहीं होता कोई क्वेश्चन
तो वो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ।